बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपनी वीडियो में वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आया हूं। तो आज की वीडियो में जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ वो है फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली की तरफ से। फेयर एंड लवली आप लोगों के साथ फेयर एंड लवली की मैक्स फेयरनेस मैन क्रीम शेयर करने जा रहा हूँ। काफी ज्यादा लोग मुझसे इसके बारे में पूछते थे, तो मतलब मैं इसको यूज करूँ, यूज करके इसका रिव्यू शेयर कर दूँ। तो मैंने इसको यूज किया है, तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसका मुझे यूट्यूब पे कहीं भी रिव्यू नजर नहीं आया, मैंने काफी ज्यादा सर्च किया था। काफी लड़के मुझसे आके इसके बारे में पूछते हैं कि भैया मैं आया ये क्रीम यूज करनी है कि नहीं, ये किस तरह की, ये सारा कुछ मुझे इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि ये क्रीम किस तरह की है, आप लोगों ने यूज करनी है नहीं यूज करनी, मतलब इसके प्राइस एंड एवरीथिंग सब कुछ आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो आपको स्क्रीन पे चलता नजर आ रहा होगा फेयर एंड लवली को उन्होंने हटा के अब कर दिया है ग्लो एंड हैंडसम। इसके ऊपर है मैक्स फेयरनेस इज नाउ ग्लो ग्लो एंड हैंडसम। अच्छा, फेयर एंड लवली की जो मैक्स फेयरनेस क्रीम है उसका नाम उन्होंने कर दिया है ग्लो एंड हैंडसम फेस क्रीम, ठीक है। इसके ऊपर है सन प्रोटेक्शन रिड्यूस डार्क स्पॉट्स फॉर मेन स्किन, आदमियों की स्किन के लिए, ठीक है। इसकी तरफ इन्होंने मेंशन किया है स्टेप वन फेस वॉश और स्टेप टू क्रीम। इधर इन्होंने काफी ज्यादा इसके मतलब स्पेसिफिकेशन इन्होंने इसके ऊपर बयान की हुई है, जिसके ऊपर सन प्रोटेक्शन है अगेंस्ट यूवी रेज, ये नहीं कि मतलब इस पे कितना SPF है ये नहीं इन्होंने लिखा हुआ। इंस्टेंट ब्राइटनेस है फॉर ग्लोइंग एंड इवन टोन स्किन, स्किन क्लैरिटी है इसमें, ऑयल एंड स्वेट रिडक्शन, लॉन्ग लास्टिंग एंड फ्रेशनेस, ठीक है। अगर ये कहाँ का प्रोडक्ट है मुझे ये नहीं पता, लेट मी चेक। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में ही बनाया गया, 130 रुपए इसकी प्राइस है और काफी ज्यादा है। मुझे इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी लगी है, मुझे एक इनसे मुझे मतलब थोड़ा सा गिला है। आप लोगों को पाकिस्तानी कोई मेल नहीं मिला यहाँ पे डालने के लिए, ये इंडिया का है एक एक्टर, ये बिग बॉस सीजन 5 में आया था, मुझे इसलिए इसका फेस याद है, ठीक है। तो काफी ज्यादा इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ, इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी मेंशन है यहाँ पे। 25 ग्राम हम इसमें प्रोडक्ट मिलता है, अंदर से प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस, कुछ इस तरह का लगता है। स्मेल की बात करें तो इट हैज वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, सॉरी। तो इसकी मैं आप लोगों को ब्लेंडिंग दिखा देता हूँ, बहुत इजी है। अच्छा, ये बिल्कुल किस तरह की काम करती है जैसे फेयर लवली है ना, बिल्कुल उसी तरह से। बस इन्होंने मेरे हाल से क्या किया, इसका टेक्सचर भी चेंज नहीं किया, जस्ट इन्होंने फ्रेग्रेंस चेंज कर दी, बाकी ये ऑलमोस्ट सेम है। मतलब थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट चेंज किए होंगे, मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा, बट इट हैज वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्किन को हमारे ड्राई कर देता है स्किन को। मतलब जिन लोगों की सुपर ऑयली स्किन है उन लड़कों के लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब आप लोगों की 15 अगर समर में यूज कर रहे हो तो फिर तो आपका आधा घंटा निकल जाएगा, अगर आप विंटर में यूज कर रहे हो तो आप लोगों के 2-3 घंटे तो इजिली गुजर जाएंगे, आपके फेस पे रहेगी, आपकी स्किन को ऑयली नहीं करेगी और आपकी स्किन पे ब्राइटनेस रहेगी, लगाने के फौरन साथ ब्राइटनेस आती है। मैं 3-4 दिन से यूज कर रहा हूँ और मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिन लोगों की स्किन ड्राई किस्म की नहीं है, थोड़ी सी ऑयली है, क्योंकि ये स्किन को ड्राई कर देता है। तो इसका फेस वॉश वगैरह मैंने ट्राई नहीं किया, वो भी ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो बाकी ओवरऑल गुड क्रीम है, ठीक है। आपको 130 रुपए में रीजनेबल प्राइस फेयरनेस क्रीम मिल रही है, ये नहीं कि लगा के गोरा चिट्टा हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट हाँ, अच्छी फेयरनेस क्रीम, अगर लड़के कोई फेयरनेस क्रीम ढूंढ रहे हैं तो आप लोग ये क्रीम ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।